बुलडोजर का स्टीयरिंग महिला पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में है। सामने है अवैध कब्जा जिसे एक रेप के आरोपी ने किया हुआ था, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने अपना दबंग अवतार दिखाया और रेप के आरोपी के अवैध कब्जों को गिरा दिया। एक घटना हुई थी जिसमें एक छोटे नाबालिग बच्चे के साथ में चार लोगों ने बलात्कार किया था। सामूहिक दुष्कर्म की घटना थी जिसमें तीन आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। एक आरोपी को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है और एक कौशल किशोर चौबे है, उनका जो मकान था और जमीन थी वो सास की जमीन पर अतिक्रमण किए थे। तो आज महिला बल सब इंस्पेक्टर नित्या त्रिपाठी, वंदना गौर, महमूदा बानो और महिला कर्मचारियों के द्वारा स्वयं इस कमान को संभालते हुए अतिक्रमण को हटवाया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। बुलडोजर महिला अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा चलाया गया है। इस प्रकार के कृत्य पर इस प्रकार की कार्रवाई होती रहना चाहिए, क्योंकि मतलब समाज को शर्मसार करने वाली घटना थी जो आज महिला अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया। मामला दमोह का है, जहां के रनहे में सामूहिक दुष्कर्म और नाबालिगों से यौन शोषण मामले में आरोपी कौशल किशोर के शासकीय कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। आज जो हम लोगों ने ग्राम रनहे स्थित खसरा नंबर 1389 और 1315 जो की रकबा लगभग 7 आ रही था, अतिक्रमणकर्ता कौशल किशोर चौबे पिता कुंजीलाल चौबे का अतिक्रमण हटाया है। अतिक्रमण मकान बनाकर और तार फेंसिंग भी तैयारी करके किया गया था। ये कार्रवाई हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार, SDM महोदय के निर्देशानुसार संपन्न की है और जो हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख होगी। कितनी भूमि होगी सर? भूमि जो अतिक्रमण हटाया है वो 7 आने में, उस पर एक छोटा सा कच्चा मकान था और बाकी फसल बोकर अतिक्रमण किया गया था। दरअसल दमोह में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इस मामले में तीन आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि चौथे आरोपी को 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया। CM शिवराज ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया था और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। फिलहाल इस बार बुलडोजर काफी चर्चा में है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पहली बार होगा जब महिला पुलिस कर्मियों ने बुलडोजर चलाया है। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट, MP तक।